जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों पहले से मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि बहुत सारे दिनों से मैंने इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया, मेरे दूसरे चैनल पे भी नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा सा काफ़ी बिजी हूँ अभी कुछ काम को लेकर। आप सभी के लिए ऑनलाइन जो कोर्स लाने वाला हूँ SSC GD RPF कॉन्स्टेबल आर्मी के लिए, साथ ही जो ऑनलाइन एजुकेशन जो अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पे सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, उनको लेकर थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। बहुत जल्दी आने वाले 1-2-3 दिन में आपको यूट्यूब पर लाइव क्लासेज मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की। अगर कोरोना का थोड़ा सा भी अगर छूट मिली तो उसके साथ में आपकी लाइव क्लासेज मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। तो उसके सेटअप को लेकर मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। साथ ही सबसे मेन पॉइंट जो मैं बात बता रहा हूँ कि तैयारी कर दो बंद, क्योंकि लॉकडाउन लग गया फिर से या कोरोना की चल रही है लहर, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है। ज़्यादातर उन बच्चों के दिमाग में आता है जो नेगेटिव सोचते हैं, या उन बच्चों के दिमाग में आता है जिनका पढ़ने में वैसे ही दिल कम करता है। ठीक है, वो फिर फालतू की बाजी करते रहते हैं, पूरे दिन कोरोना की न्यूज़ देखते रहते हैं या कोरोना से किसकी डेथ हुई किसकी नहीं हुई। आपको मैं बता दूं, कोई भी न्यूज़ चैनल, चाहे कोई सा भी न्यूज़ चैनल, वो हर एक चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है अभी, और चाहे आंकड़े सही दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बड़ा बड़ा, जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल वास्तविकता से बहुत दूर दूर की चीज़ें दिखा रहे हैं। दोस्तों तो आप उन पर फोकस ना करें। कोरोना की लेयर आपको पता, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कितने पॉजिटिव केस है, कितने केस आ रहे हैं, बस वही लेयर आप देश में मान लीजिए, सिटियों में उसके अनुपात से आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद पढ़े लिखे इंसान हो। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चों के दिल में आ जाता है कि पढ़ाई कर दो बंद क्योंकि लॉकडाउन में वैकेंसियाँ होनी नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि आने वाले 10-15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर ऑक्सीजन की, ये जो ऑक्सीजन की कमी या जो कोरोना की लहर है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी है, क्योंकि देश पहले से प्रिपेयर है इन चीज़ों के लिए और कोरोना से जंग जीत चुका है। तब ये नहीं थी, अब ये नई नई है। वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है और जिनको वैक्सीनेशन हो जाता है, आप भी लगा लीजिए अगर आपके शहर में लगता है, जिनको वैक्सीनेशन हो जाता है उनको ये बहुत ही कम इफेक्ट कर पाता है, यानी जिसको नहीं होता है इसको होने में, यानी 80-20 का फ़र्क है, यानी 80% और 20% का फ़र्क है। तो यानी आने वाले 15-20 दिन में सभी पूरे देश में वैक्सीजन का काम हो जाएगा और कोरोना की जो ये लहर है वो टूट जाएगी। लेकिन इससे आपको पढ़ाई पर कदई कमज़ोर नहीं पड़ना है। बहुत सारे बच्चों ने किताबें साइड में रख दी है, जो SSC GD की तैयारी करते हैं, RPF कॉन्स्टेबल की तैयारी करते हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं या और भी किसी की तैयारी करते हैं, सेंट्रल लेवल CPO की तैयारी करते हैं। दोस्तों पेपर पोस्टपोन जरूर हुए हैं, नोटिफिकेशन भी हो सकता है कि पोस्टपोन हो SSC GD की। मैंने जो अभी कमांडो अकेडमी पे उस पर रिलेटेड एक वीडियो बनाया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। नोटिफिकेशन भी हो सकता है कि पोस्टपोन हो, लेकिन भर्ती अवश्य होगी। दुनिया जैसे चलती आई वैसे चलेगी, ऐसी नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसी महामारियाँ हर 100 साल में आती रहती है। तो ये आप 1920 में देख लीजिए, 1820 के आसपास भी आप न्यूज़ देखिए उसमें भी देख लीजिए, यानी महामारी आती रहती है समय समय में। कभी स्वाइन फ्लू आया था, उससे पहले जब पोलियो आया था, तो वो इसी प्रकार की महामारियाँ थी। तो उनसे दुनिया जीती है और हम भी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया उम्मीद पर टिकी है, उम्मीद पर टिके रहना है और 101% आपको वैकेंसियों की तैयारी करनी है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही मेरे दोस्त, ये नहीं सोचना कि साला जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा ना, ये वर्ड सबसे ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब करता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी जो ख़राब हुई है वो इसी वर्ड के कारण हुई है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ये वर्ड यूज़ नहीं करना है। जो आपको करना है ना, करके दिखाना है, वो वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तैयारी में कतई नरमी ना बदले, तैयारी करते रहना निरंतर। हो सकता है कि मई के महीने में आपका SSC GD के फार्म ना भरे जाए, लेकिन मई के बाद में फॉर्म भी भरे जाएंगे, भर्तियां भी सुचारू रूप से होगी, फिर से देश खुल जाएगा और पूरे देश में लॉकडाउन भी हट जाएगा। अभी लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सालों साल का लॉकडाउन लग गया, सालों साल का लॉकडाउन नहीं लगा दोस्तों, 1-2 महीने का हो सकता है कि 15-20 दिन या 1 महीना मैक्सिमम लॉकडाउन रहेगा। अब 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद में सभी काम सुचारू रूप से होंगे, आपकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और आपको तैयारी भी करते रहना, बुकों को साइड में नहीं करनी है, आपको इस समय को यूटिलाइज करना है, सही काम है। क्योंकि अभी आपको बाहर जाने की परमिशन है नहीं, आपको बाहर जाके करना भी क्या, आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। मैं भी बहुत जल्दी आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराने के लिए YouTube पे आ ही रहा हूँ, तो आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पर मेरे साथ भी मिलकर, और आप अपनी भी जैसे तैयारी कर रहे हैं बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं, आपको कुल मिला के करना क्या है, आपको कुल मिला के तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी चीज़ों को जाने दो। 5-10-15 दिन का लॉकडाउन हो सकता है, पहले भी जब बोले थे ये बीमारी जब आई थी, देश खुलेगा नहीं, आप सभी को पता है लॉकडाउन आ गया था, वापस ओपन हो गया था, सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगी थी, भर्तियां भी होने लगी थी, बहुत सारी भर्तियां हुई भी है इस दौरान कोरोना आने के बाद भी। तो सोचिए, अब तो हमको इस बीमारी का पूरा कुछ पता है कि ये कहाँ पर इफेक्ट करती है, तो इलाज भी होता रहेगा और भर्तियाँ भी चलती रहेगी, सब काम सुचारू रूप से चलेंगे। इसलिए तैयारी करते रहना बेटा, तैयारी में बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है। आपका ये समय
बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए ये समय आपका, इसलिए इसको यूटिलाइज सही रूप से करना है, ना कि फालतूबाजू में ख़त्म करना है। फालतूबाजी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, पढ़ाई करते रहना है, और हो सके जितनी आप पढ़ाई कर सकते हो इस समय में, खाली समय इसका ऐसा उपयोग करना है कि वैकेंसी चाहे आ जाए, चाहे कल आए, चाहे 3 महीने बाद आए, ठीक है। एक नेगेटिव ना सोचे कि दुनिया ख़त्म हो रही है, दुनिया कहीं ख़त्म नहीं हो रही, ऐसी बीमारियां समय समय पे आती रही है। जहां परमाणु बम गिरे वहां पे भी दुनिया आज है, और दुनिया रहती है बेटा। ऐसे तो फिर ज़िंदगी भी, अगर हम सोच लें कि ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी एक दिन, तो ये तो होनी है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी है, तो हमको भी उम्मीद पर टिके रहना है। पॉजिटिव सोच के साथ में अपनी तैयारी में जान डालिए, अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, और बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, देश भी खुल जाएगा, लॉकडाउन की स्थितियां ख़त्म हो जाएगी, ये 101% है, क्योंकि उम्मीद पे सब टिके। इसलिए तैयारी करते रहना है, बुकों को साइड में नहीं रखना है बेटा, तैयारी करते रहना है, कोई बात नहीं, जब तक जिएंगे अच्छे से जिएंगे। मेहनत करना है, अपने माँ बाप के अगर सपने पूरे करने हैं तो नेगेटिव नहीं सोचना है। कोरोना की कोई जो भी लहर है वो सब ख़त्म हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए तैयारी करते रहना है, बुकों को साइड में नहीं रखना है मेरे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।